नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों आज की सच्ची घटना को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है पूरी घटना। दोस्तों एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु एक भी पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपने पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको ये दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपना जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लो ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उनको भगवान ही पूरा कर सकते हैं, परेशान होने से क्या होगा। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उनसे अपने दिल की बातें बताओ, देखना तुम्हें यह अभाव कभी महसूस ही नहीं होगा, ना कभी सताएगा। सेठ को पंडित की ये बात अच्छी लगी और वो ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन कराने के पहले राजा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसा करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास नहीं हुआ कि उसकी कोई पुत्री सच में है ही नहीं। वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वो बात ना करता और उनको भोजन नहीं खिलाता उसका मन नहीं लगता, और जब वो बात करता और भोग लगा देता तो उसकी मन को संतुष्टि मिल जाती, जैसे उसे पता ही नहीं क्या मिल गया हो। दोस्तों एक बार सेठ के घर पर चूड़ी बेचने वाली मनहारण आती थी और वह उसकी बहुओं के लिए चूड़ियां पहनाकर जाती थी। वह चूड़ी बेचने वाली आई और उसने सेठ के बेटे के 3 बहुओं के लिए चूड़ियां पहनाई। उसके बाद जब सेठ जी की बहुएं चूड़ियां पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और कन्या आ गई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाले ने सोचा कि शायद सेठ के घर पे एक और मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वो चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने के लिए सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली, चूड़ी के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 चूड़ी पहनकर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने 4 चूड़ियां पहनाई है, तुम्हें कोई गलती हुई है, मेरे घर पे तो चूड़ी पहनने वाले केवल सिर्फ वो 3 बहुएं हैं जो कि मेरे बेटों की पत्नियां हैं। 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाने लगा। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए, जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के लिए पैसे क्यों नहीं दिए। और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी और यह सब देखकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए, वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और उसके पैरों में रख दिया और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 चूड़ियां ही पहनाई थी, मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिससे राधा रानी के दर्शन हुए, मैं इतने दिनों तक उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर वो रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो, मैं ये देने को तैयार हूँ। ये सुनकर मनहारण की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए तो इससे बड़ा दाम मुझे और क्या चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये कहानी आपको भी अच्छी लगी तो इस कहानी को सब में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।